हरियाणा में जैसे पूरे देश में तुष्टिकरण का वोट हो गया है, वैसे हरियाणा में जाट वोट हो गया है। लड़ाई जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। आप बुढ़ऊ हैं, 25 साल के गबरू जवान हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम 16 साल के लौंडों के बीच लड़ेंगे जाकर के। वो बजरंग पुनिया बैल, मैं बैल ही कहूंगा उसको, कि वो देश के ध्वज को पैरों तले रौंद रहा था। उस विनेश फोगाट का भी चेहरा बताया है, ये कितनी साफ सुथरी है। ये खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक से कायदे से कहिए कि भारत की इज्जत का बट्टा मार करके आई, जिसने साख खत्म किया, वो गलत तरीके से, मतलब होता है ना कि आप भाई उस लायक ही नहीं है, आप उसमें दौड़ गए। लड़ाई जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। आप बुढ़ऊ हैं, 25 साल के गबरू जवान हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम 16 साल के लौंडों के बीच लड़ेंगे जाकर के। आपने फर्जी एज, जैसे आजम खान उसी फर्जीवाड़ा में जेल में है ना, कि फर्जीवाड़ा के उम्र में जो फर्जीवाड़ा किया था तो बाप बेटा जेल में। इस तरह की हरकत करने वाली महिला के लिए देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि इतने खिलाड़ी जीत करके आए, हॉकी की टीम जीत करके आई, प्रधानमंत्री निवास में सबका सम्मान भी हुआ, जो गई थी टीम जो बिना पदक के गई उनका भी उस ढंग से हुआ। लेकिन ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि सिर्फ यही एक महिला है जो ओलंपिक खेलने गई, और ऐसा प्रोटेस्ट जीत करके जो आए पूरे देश में अलग अलग राज्यों के कहीं नहीं हो रहा है। और एक महिला जो हार करके आई है, जो सब इज्जत गमा करके आई कायदे से, अब इसीलिए चूंकि ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब आप घटिया पॉलिटिक्स करते हैं तो षड्यंत्र समझ में आता है। कल्पना कीजिए कि ये महिला यदि पदक लेकर के आती, कांसा भी लेकर के आती, तो क्या होता। और इस नशे में इन लोगों ने देखिए कि तिरंगा का क्या अपना अपमान किया। बजरंग पुनिया का ये वायरल हो रहा है, देखिए। और ऐसा नहीं, ये कंटिन्यू कूदता रहा तो इसे पता रहा होगा कि यहाँ पे क्या है। और ये पूरी ड्रामेबाजी इसको लेकर के हुई, नंगा नाच पूरे हरियाणा दिल्ली में किया गया। क्या आपको लग रहा है कि यदि पदक जीत यदि जाते तो ये क्या करते? पदक तो बहुतों ने जीता, ऐसी गुंडागर्दी तो किसी ने नहीं की कि ये तिरंगा का अपमान करेंगे, सड़क पे हम उतावलापन करेंगे। ये सब आपको लग रहा है कि सिर्फ हरियाणा चुनाव है, ये जाट वोट के लिए खेल हो रहा है? तो क्या आम जाटों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल क्या किया जा रहा है? मनीष जी, जाटों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो चुनाव बताएंगे, बाकी जाटों को कुछ समझना चाहिए कि ये आपको किस हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन जरा आपने जो अभी पहले वाला फ्रेम दिखाया फोटो का, उस फोटो के फ्रेम में जो पीछे वाली फोटो दिख रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वो दीपेंद्र हुड्डा खड़ा है मनीष जी, उसके साथ विनेश फोगाट के साथ। और आज जब ये फोटो मैंने देखी या वीडियो देखे ये, तो उसके बाद कहीं कोई शंका ही नहीं रहेगी कि आज की नहीं, ये आज से आप 1.5 साल पहले चले जाइए, जिस समय इन्होंने नौटंकी शुरू की थी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और ब्रजभूषण सिंह ने जो कहना शुरू किया था उस बात की पुष्टि आज फिर हुई। और आज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दमदार तरीके से हुई है। यह दीपेंद्र सिंह हुड्डा मनीष जी, इसको एयरपोर्ट लेने गया था विनेश फोगाट को, क्यों? ये कोई रिश्तेदार तो है नहीं विनेश फोगाट का। और जब जहां तक बात आ जाए कि हरियाणा की बेटी है, तो हरियाणा की बेटी तो मनु भाकर भी है, जिसने दो ब्रॉन्ज मेडल जीते। हरियाणा का बेटा वो नीरज चोपड़ा भी है, जिसने एक सिल्वर मेडल जीता। अमन सहरावत जो कुश्ती में जीत के आया है, तो ये उनमें से किसी के लिए ये नहीं पहुंचा, और इसके लिए ये पहुंच गया जाके हवाई अड्डे पे जाके कैसे उसके इंतजाम में लगा हुआ था। तो निश्चित तौर पे अब तो बिल्कुल आज दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ये कांग्रेस की ही कठपुतली थी। और आप सही कह रहे हैं कि अगर कहीं ये जीत कर आ जाती, अगर कहीं इसको मिल जाता मेडल, तो ये कैसा नाचते कांग्रेसी, सिर्फ कांग्रेसी नाचते कि मतलब उसकी कल्पना करना कल्पना के बाहर है हम लोगों के, ये किस हद तक गिर जाते। लेकिन आज जो दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति, इसके स्वागत के लिए पहुंच गया एयरपोर्ट पे और पूरे रास्ते इसके साथ खड़ा रहा, और वो उसकी आंखों के सामने वो बजरंग पुनिया बैल, मैं बैल ही कहूंगा उसको, कि वो देश के ध्वज को पैरों तले रौंद रहा था, इतना मदमस्त था, क्योंकि उसको चुनाव नजर आ रहा है कि मैं अब विधायक हो जाऊंगा, अब क्यों चुनाव लड़ेगा, मेरे ख्याल से पक्का वो लड़ना तो चाह रहा था लोकसभा का भी, लेकिन कांग्रेसी ने दिया नहीं, तो अब शायद वो विधायक होने के सपने देख रहा है। तो इन दोनों आदमी का जो है वो मनीष जी, आज के घटनाक्रम ने बिल्कुल एकदम चेहरा बहुत साफ कर दिया है कि ये असली इनका रंग क्या है, असली चेहरा क्या है,
और उस विनेश फोगाट का भी चेहरा बताया है, ये कितनी साफ सुथरी है और इसके इरादे क्या हैं। जरा गौर करिए कि जिस समय पूरा लौट के आया है भारतीय दल, ये उनके साथ क्यों नहीं लौटी? अरे जब वो फैसला आता तब तो आता, तो अगर वो मान लीजिए वो डिक्लेयर कर देता कि विनेश फोगाट को सिल्वर दिया जाएगा, तो ऐसा थोड़ी कि ये वहां नहीं थी इसलिए ना दिया जाता। वो तो अब तो ओलंपिक खत्म ही हो गए थे, उसके बाद वो कब देंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे? तो आती यहाँ पे सबके साथ, लेकिन ये सबके साथ नहीं आई, ये अलग से आई क्योंकि इन कांग्रेसियों को सिगुफा बनाना था, इस तरह की नौटंकी करनी थी, और इनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद बाद में डिक्लेयर हो जाएगा तो और ज्यादा तामझाम करते। और जरा गौर करिए मनीष जी, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो दर्शक भी गौर करें कि इसमें जनता कहीं नहीं है, इसमें जनता कहीं नहीं है, और सिर्फ बिल्कुल गाड़ियों के गाड़ियों के काफिले हैं। हुड्डा को कहा जाता है कि हरियाणा के राज्य का सबसे धनी राजनीतिज्ञ है वो व्यक्ति, और उसके बाद 100-200 गाड़ी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा कहीं आप जनता नजर आ रही हो? जनता कैसे नजर आती है, अभी पहले हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल ये बताता है कि उसी हरियाणा की बेटी दो दो पदक लेकर के आई, और इनके लिए वो हाँ मुद्दा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही बेटी है। ये जो कहते ना हाँ हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी, तो मतलब भारत में और बेटियां खत्म हो गई है, सिर्फ यही एक बेटी बची हुई है। और ये जो नहीं, नाक, इस तरह से कायदे से कही तो इसने नाक कटवाया देश का है, इसने ना कायदे से कटवाइए। देश नाक कटवाया। इसको इसको तो पकड़ के, कई बार तो लगता है कि जब पॉलिटिक्स करती है तो लगता है इसको पकड़ करके इसको तो इंटरोगेशन होना चाहिए इसको, और पूरी तरह से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब पॉलिटिक्स हाँ करते हैं फिर ये लगता है कि कल्पना कीजिए, ईश्वरीय न्याय है सर, इतने खिलाड़ी गए कोई नहीं फंसा, यही क्यों फंसी? नहीं, ये जालसाजी करके गई थी, और मनीष जी इनको शर्म नहीं आती, इसको खुद को शर्म आनी चाहिए। ये पहले ओलंपिक में नहीं गई थी, बड़ी गलती हो गई। ये 2016 के ओलंपिक में गई, वहां वजन ज्यादा वाले चक्कर में ये हारी, क्वार्टर फाइनल में ही हार गई थी। खैर ये उसके बाद 2020 के ओलंपिक में गई, 2020 के में क्वार्टर फाइनल में आ रही, उससे पहले कम, वहां 2016 में वजन कम ज्यादा वाला मामला हुआ, 2024 में फिर कम ज्यादा वाला मामला हुआ। तो ये 3 ओलंपिक खेल चुकी और इसके पास मेडल के नाम पर 0 है। 3 ओलंपिक के बाद 0 मेडल, और नाटक क्या है, कैसी नौटंकी है, ये अपने आप में बता रहा है कि ये साजिश पूरी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है, और ये चुनाव तक चलेगी। चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो दूध की मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दिया जाएगा, तब इनकी समझ में आएगा, उस बैल की भी समझ में आएगा और इसकी भी समझ में आएगा, विनेश की, इन लोगों ने कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया। बिल्कुल, और कायदे से तो ये लगता है कि हो सकता है इसके जगह पे यदि दूसरी लड़की जाती जिसने इसको हराया है तो वो भारत के लिए पदक लेकर के आती, हाँ, कुछ लेके आती, कुछ लेकर आती। तो इसलिए इसने इसने इसका क्राइम बड़ा है, और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और ये तब जब इस स्तर का ड्रामा होता है पूरा, खैरातियों का, सोचिए ना वो पाड़ाओं का गैंग ने कैसे नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था जब ये फाइनल में पहुंच गई थी। मुझे इसीलिए हाँ आपने फोन पे कहा था इसी को ईश्वरी, वो क्योंकि भगवान शंकर का उपासक है, उसके खिलाफ जब कोई बड़ा षड्यंत्र करता है तो उस षड्यंत्र को शंकर भगवान भोलेनाथ ऊपर से ही काट देते हैं। वरना वरना सोचिए कि ये देश के लिए गर्व की बात थी कि ये रजत पदक लेकर के आती कम से कम, लेकिन हाँ क्योंकि पाप करने का, आपका जब आपका जो आपका जब आपकी जब नीयत खराब होती है तो ईश्वर आपके हक का, कहते हैं ना कि मुंह से निवाला छीन लेते हैं, इसके साथ या वही हो गया। और ये जो मनीष जी रोना गाना रो रहे हैं, इनको इनको शर्म नहीं आ रही कि उसका जो बड़ा त्याग बता रहे हैं कि उसने अपना ब्लड निकलवा लिया था और ये कर लिया वो कर लिया, और उसके बाद जब हुआ तो वो बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हो गई थी। जिस पहलवान की ये मानसिक स्थिति हो गई थी, ये शारीरिक स्थिति हो गई थी, तो अगर मान लीजिए उसका वजन 100 ग्राम कम भी होता और वो लौटती तो उसको गुड़िया की तरह उठा के वो पटक देती सामने वाली पहलवान, कि जो इस स्थिति में थी कि वहां से कमरे से निकल के सीधे, जैसे हुआ कि आपका वजन का कम है वो ज्यादा है, तो आप सीधे आप अस्पताल पहुंच गए, बेहोश हो गए, कुछ लोग बता रहे थे मरते मरते बची, तो इस हालत में आप ओलंपिक का फाइनल लड़ती, ये किस तरह के नौटंकी कर रहे हैं ये जो आज कांग्रेसी नजर आ रहे थे, इनको जवाब नहीं सूझेगा कि जरा बताओ कि उस हालत में क्या उसको, अगर वो लड़ भी जाती तो कौन सा तीर मार देती, क्योंकि वो ओलंपिक का फाइनल था। लेकिन यह अब एक झूठ चलता है इस देश में, झूठ चला रहे हैं वो, लेकिन ऊपर बिल्कुल आप वाले ने बहुत न्याय अच्छे कर दिया। इशारा कर रहे हैं कि यदि ये फाइनल खेलती तो
तो इसे कैसे पटक पटक कर मारा जाता, देश की कैसी बेइज्जती होती कि मतलब फाइनल मैच तो फाइनल जैसा होना चाहिए ना, और जिसने हाँ पानी नहीं पिया वेट का, मतलब आप इतना फ्रॉडिज्म कर रहे हैं कि आप कुश्ती खेलने जा रहे हैं, कैरम बोर्ड तो खेलने नहीं जा रहे हो, तुम नहीं शतरंज तो नहीं खेल रहे हो कि भाई पानी नहीं पियोगे कुछ नहीं होगा, मरणासन, दिमाग काम करना चाहिए, जहां शारीरिक शक्ति का प्रतियोगिता है वहां तुम पानी नहीं पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, कैसी नहीं वो बेइज्जती है तो फाइनल में करवाती है। वो तो खुद ही आया ना कि वो वहां से सीधे अस्पताल पहुंचा दी गई, अस्पताल में बेहोश हो गई, तो जो बेहोश हो जाने वाली स्थिति थी वो फाइनल में क्या लगती। तो ये बेईमानी का दंड ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर और वाले ने दिया, अब भी अगर इनकी बुद्धि की शुद्धि नहीं होती है तो कुछ और ज्यादा इन्होंने अपने लिए लगता है लिखवाया है। बिल्कुल। और ये ठीक उसी ढंग से लगता है जैसे इस देश में बेईमानों, फ्रॉडों को बेल पे आने पे जो महिमा मंडन होता है, वैसे लगा कि इस देश में ऐसी परंपरा हो गई कि आप आपराधिक प्रवृत्ति वाला होइए, सिस्टम के खिलाफ जाइए, आपका महिमा मंडन उससे होगा। तो मुझे लग रहा है कि बस सचमुच ईश्वरीय न्याय हुआ है और उसकी परिणति दिख रही है विनेश फोगाट को। बस